देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत दास बीजेपी में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनको सदस्यता दिलाई। 2022 में कांग्रेस से लड़े थे विधानसभा का चुनाव। दिवंगत मंत्री चंद्रराम दास से चुनाव हारे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अभी चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। देहरादून से उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव से पहले ये कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी लगातार बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत दास बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनको सदस्यता ग्रहण कराई। 2022 में कांग्रेस से वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल। दिवंगत मंत्री चंद्रराम दास से वो चुनाव हार गए थे। बागेश्वर में उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। बागेश्वर उपचुनाव से पहले इसको बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रंजीत दास, जो कि बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुद उनको सदस्यता दिलाई। 2022 में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बागेश्वर में उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी के लिए इसको प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, अभी बागेश्वर में उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, बहुत बड़ा फेरबदल है ये। जी देखिए काजल, बिल्कुल जिस प्रकार से जो बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं, उससे पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। आज जिस प्रकार से उनके जो वरिष्ठ नेता है, वो 2022 में बागेश्वर विधानसभा से वो कांग्रेस से जो है चुनाव भी लड़े थे, रंजीत दास, वो आज जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं। और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने आज प्रदेश कार्यालय में उनको सदस्यता दिलाई है। देखा जाए तो बागेश्वर उपचुनाव से पहले ये बड़ा झटका जो है ये कांग्रेस को लगा है, क्योंकि कयास ये जा रहे थे कि रंजीत दास जो है एक बार फिर से कांग्रेस से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही जिस प्रकार से आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि काफी कद्दावर नेता जो है बागेश्वर से जो है वो माने जाते हैं, और काफी जो पहुंच है उनकी बागेश्वर में, अगर छवि की अगर बात की जाए तो काफी बड़ी छवि जो है उनकी है, और उनके छवि पर जो है काफी वोट जो है कांग्रेस को पिछले 2022 के चुनाव में जो है वो मिले भी थे, क्योंकि सेकंड नंबर पर जो है रंजीत दास रहे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो बसंत कुमार हैं वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और लगातार अगर देखा जाए तो 4 सालों से लगातार भाजपा का ही कब्जा जो है बागेश्वर सीट पर है, और इस बार जो उपचुनाव होना है, हालांकि इस बार जो है भाजपा की ओर से बैठकें भी लगातार चल रही है, और माना यह जा रहा है कि उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को जो है उसमें टिकट जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से अब रंजीत दास को भी भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो एक बड़ी मजबूती जो है वो भाजपा को मिलने वाली है। साथ ही साथ कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो दिया गया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो माना यह जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वहां पर विधानसभा चुनाव लड़े थे बसंत कुमार, वह कांग्रेस में कल जो है वो शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की जो है सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि कल वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बागेश्वर में जाकर, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, वो बागेश्वर में जाकर जो है उन्हें सदस्यता दिला सकते हैं, और वो जो है कांग्रेस के टिकट पर वहां से जो है उपचुनाव लड़ सकते हैं। इसी माना यह जा रहा है कि इसी तरीके की सुगबुगाहट जो है रंजीत दास को लगी होगी कि वहां पर जो है आम आदमी पार्टी के जो है वो शामिल हो रहे हैं, तो इसी के चलते जो है वो भाजपा में उससे पहले जो है वो शामिल हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो उपचुनाव से पहले लगा है, और ये देखना होगा कि अब जो आने वाला जो उपचुनाव होगा किस तरीके से जो है कांग्रेस वहां पर जो है वो चुनाव लड़ती है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए उपेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी